तो स्टूडेंट्स नाउ वी स्टडीड दैट के हम जो मेमोरी कार्ड है उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इजीली। पर इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अटैच्ड टू अ कंप्यूटर टू असेस द कार्ड, फाइन, कंप्यूटर के साथ अटैच करके हम क्या कर सकते हैं, जो कार्ड है इसको असेस भी कर सकते हैं। पहले हमने बात की थी कि जो मेमोरी कार्ड है वो किसके साथ अटैच होता है, फोन में हम इजीली अटैच कर सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और अगर कंप्यूटर्स में भी बात करें तो कंप्यूटर्स में भी इसका जो असेस है, इसको जो चलाना है वो बहुत आसान होता है, फाइन। दीज डिवाइसेस ट्रांसफर द इमेजेस म्यूजिक फाइल्स इन टू अ कंप्यूटर बाई यूजिंग द मेमोरी कार्ड रीडर दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर थ्रू अ यूएसबी केबल। यूएसबी केबल क्या होती है, एक ऐसी वायर होती है, एक ऐसी तार होती है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक पोर्ट को दूसरे पोर्ट से, मतलब एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ते हैं, फाइन। उस यूएसबी केबल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम मेमोरी कार्ड के साथ हमारे कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं, फाइन। या फिर इन डिवाइसेस की, मेमोरी कार्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम जितनी भी इमेजेस या म्यूजिक फाइल्स हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर में से मेमोरी कार्ड में डाल लेते हैं, या मेमोरी कार्ड में से कंप्यूटर में डाल सकते हैं। दोनों टाइप पे हम क्या कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये किससे कनेक्टेड हो जाता है, कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्ट होता है, यूएसबी केबल के साथ है, फाइन। नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स कम विद द इनबिल्ड कार्ड रीडर पोर्ट। और अब क्या है, अब हमें अलग से कार्ड रीडर जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लैपटॉप्स हैं जिनमें पहले से ही क्या आता है, ये पोर्ट जो होता है बना बनाया ही आता है। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास मल्टीमीडिया कार्ड इन अ डिजिटल कैमरा और अ मोबाइल। मल्टीमीडिया कार्ड मतलब यही मेमोरी कार्ड की बात कर रहे हैं हम, फाइन। अ मेमोरी मल्टीमीडिया कार्ड इज स्मॉल इन साइज, अप्रॉक्सीमेटली साइज ऑफ अ पोस्टेज स्टैम्प, छोटे से साइज का होता है जितनी की हमारी पोस्टेज। पोस्टेज स्टैम्प मतलब जो हम जब लेटर्स पोस्ट करते हैं तो उन लेटर्स के ऊपर जो टिकट लगाई जाती है, स्टैम्प लगती है, फाइन, उसके साइज का ही सिर्फ जो ये कार्ड होता है वो उतने साइज का होता है, फाइन। एंड मल्टीमीडिया कार्ड्स आर अवेलेबल इन द वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी रेंजिंग अप टू 512 GB, 512 GB तक की इसकी कैपेसिटी होती है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको बेटा सबको ये लर्न करना है कि कितनी कैपेसिटी के जो ये कार्ड्स हैं, सीडी की कितनी कैपेसिटी होती है, डीवीडी की कितनी होती है। जैसे सीडी की हमने लर्न की थी कि 700 MB होती है, फाइन, और जो डीवीडी है उसकी 4.7 से लेकर 70 GB तक होती है, फाइन। इसी तरह हमने अलग अलग डिवाइसेस की लर्न की, जैसे ब्लू रे की हमने लर्न की कि 128 GB होती है, फाइन। और अब इसकी कितनी होगी, 512 GB जो होती है वो मेमोरी कार्ड की हो सकती है, मैक्सिमम 512 GB तक का जो मेमोरी कार्ड होता है वो हमें मिल सकता है, मल्टीमीडिया कार्ड भी कह देते हैं हम इसे। अब उसके बाद बारी आई कंप्यूटर के पोर्ट्स की। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि लैपटॉप में इनबिल्ड मतलब पहले से ही बने बनाए पोर्ट जो आते हैं, जिसके जिसमें सिर्फ हम मेमोरी कार्ड डालते हैं और सीधा वो रीड हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है, चल पड़ता है, फाइन। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट द कंप्यूटर पोर्ट। अब कंप्यूटर पोर्ट्स की बारी है। कंप्यूटर पोर्ट्स बेसिकली होता क्या है, अ कनेक्शन पॉइंट होता है, कनेक्शन पॉइंट की जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फाइन। एंड इंटरफेयर बिटवीन अ कंप्यूटर, इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइस। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर वाली होती है, इंटरनल मतलब जो इसके अंदर वाली होती है। आपस की डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस क्या होता है, कनेक्ट करता है, लिंक बनाता है, फाइन। करने के लिए कंप्यूटर के साथ जो कनेक्शन बनाने वाला पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, फाइन। एक इंटरनल पोर्ट्स मेक कनेक्ट द डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सीडी रोम और डीवीडी, वेयर एज एक्सटर्नल पोर्ट्स कनेक्ट द एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक मॉडम, प्रिंटर, माउस एंड अदर डिवाइसेस। अब जो ये हमें साइड पे एक पिक्चर शो की गई है, फाइन, इस पिक्चर में हमें उन्होंने सीपीयू की जो बैक इमेज है
बैक साइड क्या की है, शो की है, हियर। फाइन, ये जो पोर्ट्स दिखाए गए हैं यूएसबी पोर्ट्स बिल्कुल लास्ट में दिखाए गए हैं, फाइन। और उसके ऊपर हमें कीबोर्ड पोर्ट एंड ये माउस पोर्ट दिखाए गए हैं, फाइन। कीबोर्ड पोर्ट एंड माउस पोर्ट क्या है, दो पर्पल और ग्रीन कलर के पोर्ट होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम माउस बाद में परचेज करते हैं या अलग परचेज करते हैं तो वो हम यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं, लगा के ही हमें क्या करना पड़ता है, उसे चलाना पड़ता है, फाइन। तो यूएसबी पोर्ट से हम डायरेक्ट किसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, फाइन। इसी तरह जो ये ब्लू वाला नीचे दिखाई दे रहा है हमें, सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस, जो ये छोटा छोटा ब्लू वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, फाइन। इस ये क्या होता है हमारा, जो जिसके साथ हम स्क्रीन अटैच करते हैं, ये उसके लिए पोर्ट होते हैं, फाइन। और जहाँ पे हमारे स्पीकर्स अटैच होते हैं वो ये नीचे वाले पोर्ट, ये सारे पोर्ट वो वाले होते हैं जहाँ पे हम अपने क्या स्पीकर्स, माइक, वो सब चीज़ें अटैच करते हैं, फाइन। और ये जो अगर बात करें तो ये दोनों क्या होते हैं, फैंस होते हैं इसके। और जो सीपीयू को पावर सप्लाई जाती है वो इस बटन से जाती है, फाइन। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, फाइन। पावर सप्लाई कहाँ से जाती है, कीबोर्ड का पोर्ट कौन सा है, माउस का पोर्ट कौन सा है, फाइन। यूएसबी के पोर्ट्स कौन कौन से हैं, स्पीकर्स कहाँ पे लगते हैं, कितने फैंस होते हैं, फाइन। तो इन दिस वे यू कैन लर्न द थिंग्स मोर बेटर। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम चैप्टर को समराइज करते हैं कि पूरे चैप्टर में अब तक हमने पढ़ा क्या है, फाइन। लेट्स रिकेप द चैप्टर। सो इफ वी टेक अ लुक एट द चैप्टर, तो डेटा क्या है, डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जिनको किसी वे में ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या बनाती हैं, डेटा बनाती हैं। एंड प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, और जो डेटा प्रोसेस हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। द डिवाइस विच हेल्प इन स्टोरिंग डेटा परमानेंटली कॉल्ड द स्टोरेज डिवाइसेस। जो डिवाइसेस डेटा को परमानेंटली स्टोर करने में हमारी हेल्प करती हैं उनको हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास कि कंप्यूटर वर्क्स ओनली विद टू डिजिट्स। दो डिजिट्स के साथ सिर्फ हमारा कंप्यूटर काम कर सकता, 0 and 1, फाइन। इनको क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स कहते हैं या बिट्स, फाइन। 0 और जो 1 है उसको हम क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं। और जो डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है वो बाइट्स की फॉर्म में मेजर होता है। और हमने ये डिस्कस पहले भी किया था कि जो 8 बिट्स हैं, क्या 8 बिट्स, वो मिलके कितनी बाइट बनाती हैं, 1 बाइट बनाती हैं, फाइन। और जो 1024 बाइट्स हैं वो मिलके कितनी बनाती हैं, किलो बाइट बनाती हैं, फाइन, केबी। और 1024 केबी मिलके क्या बनाती हैं, 1 TB, फाइन, टेराबाइट। इसी तरह गीगाबाइट, फाइन, सो ऑन, वो सारी चलती रहती हैं। सो नेक्स्ट इज कंप्यूटर की मेमोरी की अगर बात करें, हमने कहा कि जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, फाइन, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, तो मेमोरी में भी तो डेटा स्टोर होता है। तो मेमोरी के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह की हमारे पास मेमोरी होती है। इंटरनल मेमोरी जो होती है, इनबिल्ड मेमोरी, इनबिल्ड मतलब जो पहले से ही कंप्यूटर में होती है उसको इनबिल्ड मेमोरी कहते हैं, जो डिज़ाइन होती है स्टोर करने के लिए डेटा इंस्ट्रक्शन वाइल यू आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हो तो उसकी डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज होती है। अब उसके बाद बारी आई इंटरनल मेमोरी की। इंटरनल मेमोरी में की टाइप कौन कौन सी हैं, फाइन, दो टाइप्स की होती है, रैम और रोम। पहले हमने पढ़ा कि जो इंटरनल मेमोरी होती है वो क्या होती है, इनबिल्ड मेमोरी होती है और स्टोर करती है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को जब हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर। और जो इंटरनल मेमोरी होती है वो दो टाइप्स की होती है, रैम और रोम। उसी तरीके से जो एक्सटर्नल मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या करती है, स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को लॉन्गर पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए स्टोर करती है। एंड द डेटा स्टोर्ड ऑन इट नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ। और जब इस कंप्यूटर को हम टर्न ऑफ कर भी देते हैं तो भी एक्सटर्नल मेमोरी का जो डेटा है वो लॉस्ट नहीं होता, जबकि प्राइमरी मेमोरी में, फाइन, इंटरनल मेमोरी में डेटा क्या हो जाता है,
लॉस्ट हो जाता है जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं। फाइन, अब उसके बाद बारी आई हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड की। ये क्या है? ये सारी एग्जांपल्स हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ एनी डाउट इज देयर यू मे आस्क स्टूडेंट्स। थैंक यू।